एक आदमी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू लेने वाले ने कई प्रश्न पूछे, बोला आखिरी तीन प्रश्नों का उत्तर दे दो बस। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? उसने कहा, तब जो प्रधानमंत्री थे बोले देवगौड़ा साहब। देवगौड़ा थे ना प्रधानमंत्री कुछ समय पहले, ठीक। अच्छा ये बताओ स्वतंत्रता सेना संग्राम कब शुरू हुआ, कब पूरा हुआ? बोले 1857 में शुरू हुआ, 1947 में पूरा हुआ, ठीक। धरती गोल है इस बारे में आपकी क्या राय है? बोले ये तो विज्ञानियों का विषय है साहब, विज्ञानी अभी तक इस बारे में पूरी स्पष्टता नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है, आप जाओ, जो भी होगा आपको खबर मिल जाएगी, समाचार मिल जाएगा, जाओ। वो गया, बाहर आया तो एक दोस्त उसका दूसरा इंटरव्यू देने आया था। बोले यार बता तो सही कौन से प्रश्न पूछे थे, तेरा नहीं तो मेरा काम तो हो जाए। बोले अब प्रश्न तुझे क्या बताऊं, मैं तो खाली उत्तर सुनाता हूं, जल्दी में हूं मैं भी। मैंने जो उत्तर दिए, एक तो प्रधानमंत्री का नाम बताया देवगौड़ा साहब, दूसरा 1857 में शुरू हुआ, 1947 में पूरा हुआ, और तीसरा विज्ञानी अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए हैं इस बारे में, जा। वो गया अंदर तो मैनेजर ने प्रश्न पूछा, आपका नाम? बोले देवगौड़ा साहब। अरे तुम क्या बोल रहे हो? बोले हाँ ठीक बोल रहा हूं साहब, ठीक। तो तुम्हारा जन्म कब हुआ? बोले 1857 में शुरू हुआ, 1947 में पूरा हुआ। अरे बोले तुम पागल तो नहीं हो? बोले साहब विज्ञानी अभी तक इस बारे में पूरा स्पष्ट नहीं कर पाए। सतर्कता नहीं है, सजगता नहीं है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में हो तो हंसाए।